नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 19 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, क्या भाजपा हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट कर पाएगी? अगर आपको लगता है कि हिमाचल में भाजपा रिपीट होगी तो यस, अगर आपको नहीं लगता है तो नो करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 14,142 को मिलेगी सरकारी नौकरियां। जेबीटी 66 एनटीटी और मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जल्द शिक्षक मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने जेबीटी एनटीटी व मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में कुल 14,142 पदों पर भर्ती होगी। युवाओं के पास रोजगार पाने का मौका है। 1442 जेबीटी 6 को 4700 एनटीटी व 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती की जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने जेबीटी शिक्षकों का फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारियां शुरू कर दी है। बैच वाइज जेबीटी का परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार ने जेबीटी के रिक्त पद भरने के लिए 2019 में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्तियां निकाली थी। 12 मई 2019 को हजारों प्रशिक्षुओं ने जेबीटी कमीशन की परीक्षा दी थी, अभी तक इसका परिणाम नहीं निकला है। वर्ष 2020 में बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसके लिए हर जिला में काउंसलिंग हुई थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया। एनटीटी भर्ती के लिए केंद्र ने पिछले साल बजट मंजूर किया लेकिन शिक्षा विभाग भर्ती और पदोन्नति नियम ही तैयार नहीं कर पाया। विभाग ने एनटीटी शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट तैयार किया है, जल्द इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। स्कूलों में 8000 के करीब मल्टीटास्क वर्करों के पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। विभाग जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग का तर्क है कि जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठक के लिए समय मांगा जाएगा, इसके बाद सभी मांगों का एजेंडा तैयार किया जाएगा। नितिन गडकरी बोले, हिमाचल में राजमार्ग का निर्माण 75% पूरा, 9 आधुनिक सुरंगें और 140 मीटर लंबा पुल बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 चंडीगढ़ से मनाली पर बंडो बाईपास से टकोली तक 4 लेन का निर्माण 75% पूरा हो गया है। इसके साथ ही तीव्र गति से काम चल रहा है। ये एक आधुनिक परियोजना है। इस पेज में 9 आधुनिक सुरंगों और 140 मीटर लंबे बड़े पुल का निर्माण शामिल है। ब्यास नदी के किनारे बन रहा 4 लेन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये सड़क कुल्लू मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को लेह तक जोड़ेगी। प्रदेश में अभी पहनना ही होगा फेस मास्क, कोरोना नियंत्रण पर परहेज जरूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी का संकट अभी टला नहीं है तथा सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसलिए राज्य में भी मास्क लगाना लागू रहेगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगाने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके साथ किशोरों के टीकाकरण और बूस्टर डोज लगाने में भी प्रदेश अग्रणी है। बच्चों की वैक्सीन की गति स्लो है और इसकी वजह एग्जाम है, ये वैक्सीनेशन भी समय पर पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन में हिमाचल प्रदेश देश का श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। बड़ी खबर, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। सरकार ने 1400 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए रिजर्व बैंक में आवेदन किया है। 22 मार्च को कर्ज की राशि सरकार के खाते में भी आ जाएगी। इस राशि से कर्मचारियों को वेतन व पेंशनर को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह सरकार 3000 करोड़ रुपए का और कर्ज ले सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने कर्ज लेने के लिए आवेदन किया है। 1400 करोड़ रुपए के कर्ज आवेदन को छोड़ दिया जाए तो सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 4000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। पिछले वर्ष सितंबर में 1000 करोड़, नवंबर में 2000 करोड़ और दिसंबर में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था। केंद्र सरकार ने कोरोना की भीषण परिस्थितियों को देखते हुए सभी राज्यों को 5% कर्ज लेने की सुविधा दी है। प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 9400 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है। राज्य पर कर्ज का बोझ 62000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 1400 करोड़ रुपए के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो ये 63400 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में वेतन पेंशन पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होते थे, नए वित्त वर्ष में वेतन पेंशन पर खर्च बढ़कर 1700 करोड़ रुपए मासिक पहुंचेगा। यदि वेतन पर सालाना खर्चा देखा जाए तो 13297 करोड़ रुपए पहुंचेगा और पेंशन पर 7790 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खबर, कैबिनेट बैठक से मंत्रिमंडल की बैठक कल। शराब ठेकों का फिर होगा नवीनीकरण, नीलामी के हक में नहीं है प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों का फिर नवीनीकरण होगा।
कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है। बीते 3 वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से 5 से 10% बढ़ोतरी के साथ ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को देने का प्रस्ताव बनाया गया है जिन्हें वर्ष 2021 में ठेके दिए गए थे। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अफसरों ने नई आबकारी नीति से अवगत करवाया था। ठेकों के नवीनीकरण और नीलामी के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी गई थी। इस दौरान शराब की बोतलों के होलोग्राम स्कैनिंग से अवैध बोतलों को ट्रैक और ट्रेस करने की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया गया है। वहीं मंत्रिमंडल की 20 मार्च को होने वाली बैठक में टोल बैरियरों का नवीनीकरण का फैसला होने के आसार है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी बैरियरों पर भारी राज्यों के नंबर वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है। विभाग ने इस वर्ष बैरियरों की नीलामी की जगह इनका भी वार्षिक शुल्क बढ़ाकर नवीनीकरण करने का प्रस्ताव तैयार किया है। हिमाचल में बनी अल्सर कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में बनी अल्सर और कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने फरवरी में 1221 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें देश के अन्य राज्यों में बनी 30 दवाओं के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवा ने बताया कि प्रदेश के जिन 10 दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें 6 दवाएं सोलन और 4 दवाएं सिरमौर जिले में बनी है। इनमें दर्द, उल्टी, संक्रमण, हार्ट अटैक, अल्सर, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं शामिल है। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए एचपीयू के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार के नाम पर भाजपा ने लगाई मोहर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर सिकंदर कुमार का नाम सामने आया है। डॉक्टर कुमार वर्तमान में एचपीयू कुलपति के तौर पर कार्यरत है। डॉक्टर कुमार हमीरपुर सीट से संबंध रखते हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सिकंदर कुमार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष व एचपीयू में प्रोफेसर रह चुके हैं। वे अगस्त 2018 में एचपीयू के कुलपति बने थे। बता दें कि उनकी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी जिस पर सभी पक्षकारों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एचपीयू ने जारी किया संभावित शेड्यूल, 2 साल बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा देंगे यूजी के 1.5 लाख विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कॉलेजों के 1.5 लाख विद्यार्थी 7 अप्रैल से स्नातक डिग्री कोर्स की सालाना परीक्षाएं देंगे। यूजी डिग्री कोर्स के प्रथम, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के ये विद्यार्थी 2 साल बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा में बैठेंगे। कोरोना काल में सरकार के फैसले पर 2 साल तक इन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर एचपीयू ने प्रमोट किया था। एचपीयू ने अप्रैल और मई में होने वाली यूजी डिग्री कोर्स की परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 156 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। विश्वविद्यालय ने आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 22 मार्च का समय दिया है। आपत्तियां दर्ज करने के बाद अवस्था अनुसार बदलाव कर विश्वविद्यालय अंतिम शेड्यूल जारी करेगा। जारी शेड्यूल के अनुसार यूजी डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं 7 अप्रैल से शुरू होगी, ये 22 मई तक चलेगी। ये संभावित शेड्यूल है और अगर इसमें कुछ आपत्ति किसी के द्वारा दर्ज करवाई जाती है तो इसमें चेंजिंग होगी और बाद में फिर फाइनल डेट शीट जो है वो इन परीक्षाओं के लिए जारी की जाएगी। मूवी के लिंक भेजकर ठग रहे सातिर, लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो सकता है आपका अकाउंट। साइबर ठग आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए नए झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं। द कश्मीर मूवी आने के बाद अब साइबर ठग कश्मीर मूवी के लिंक भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। साथियों द्वारा भेजे गए लिंक पर मूवी डाउनलोड करने के लिए क्लिक करने के बाद हैकर ने बैंक खाता और निलंबित उपयोगकर्ताओं को खाली कर रहे हैं। इसके अलावा साथ ही विभिन्न प्रकार से कंपनियों के फर्जी पेज बनाकर लोगों को ऑफर्स का झांसा दे रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी पूरा ख्याल रखें, नहीं तो गलती से ठगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। होला मोहल्ला मेले में बड़ा हादसा, सिलेंडर फटा, दर्दनाक हादसे में 1 मासूम की मौत, 4 गंभीर घायल। उपमंडल आम के तहत बाबा बड़ भाग सिंह मैडी में चल रही होला मोहल्ला के 9वें दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। गुब्बारों में हवा भरने वाले सिलेंडर के अचानक फट जाने से 5 वर्षीय बालक सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि 52 वर्षीय एक व्यक्ति की टांग घुटने के नीचे से अलग हो गई है। अब उस व्यक्ति को अमृतसर रेफर किया गया है, वहीं अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। कोरोना, चीन में कोविड की तीसरी लहर का कच्चे माल की आपूर्ति पर पड़ने लगा असर। चीन में शुरू हुई कोविड की तीसरी लहर का प्रभाव भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने लगा है।
महामारी के चलते चीन के एक दर्जन शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन में चीन का टेक्निकल और ऑटोमोबाइल हब माना जाने वाला शहर भी शामिल है। इस समय चीन में रोजाना कोविड के 3,300 केस रोजाना आने लगे हैं। लॉकडाउन में कई पोर्ट एरिया भी शामिल है। भारत उद्योग संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित सिंगला ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान देश में दवाओं के निर्माण में देश की दवा इंडस्ट्री ने दिन रात कार्य किया है। अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट bolta.hmachal.com चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हिमाचल में जयराम सरकार मिशन रिपीट कर सकती है या नहीं, इस पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।